देवता लाइफ फाउंडेशन की ओर से 1 से 15 अक्टूबर तक वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ और जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया है। रक्तदान महायज्ञ 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और महायज्ञ नागपुर में केवल एक केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अमृत भवन उत्तरी अंबाझरी रोड नागपुर में शुरू होगा। साथ ही 1 और 2 अक्टूबर वर्धा, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, वनी, उमरेड और पुणे में रक्तदान किया जाएगा। 2 अक्टूबर को वंदे मातरम रक्तदान जागरूकता अभियान रैली की शुरुआत सुबह 7 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके निवास स्थान होटल रेडिसन ब्लू वर्धा रोड नागपुर से शुरुआत होने वाली है। उसमें 50 साइकिल, 50 मोटरसाइकिल व 21 कार होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देवता फाउंडेशन को हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत करेंगे और उसके बाद यह रैली रिजर्व बैंक की तरफ से संविधान चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर वैरायटी चौक के महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर साइकिल पटुओं को आगे की यात्रा के लिए साइकिल और टू व्हीलर वाहन रहेंगे। उसके बाद तुलजा भवानी पेट्रोल पंप यहां पर मोटरसाइकिल को आगे के सफर के लिए विदा किया जाएगा। उसके बाद आगे का सफर शुरू होगा। वर्धा शहर में रक्तदान महायज्ञ की शुरुआत होकर 10 जिलों में रक्तदान किया जाएगा। यह रैली 5 अक्टूबर को मुंबई पहुंचेगी और 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे राजभवन में राज्यपाल इनसे मुलाकात लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस रैली को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और 15 अक्टूबर को भंडारा से सदर रैली नागपुर के लिए 2:01 बजे निकलेगी, जो संघ कार्यालय रेशिमबाग ग्राउंड पर 2:30 बजे पहुंचेगी और उस जगह से रैली का समापन कार्यक्रम होगा। हमारे पास जनता को देने के लिए अभी बस 10 से 15 दिन का रक्त ही बचा है। कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, वैसे रक्त की कमी ना हो, इसलिए देवता फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 25% रक्त राखी रखेंगे ताकि वो जरूरतमंद और गरीब लोगों को निशुल्क मदद कर सके। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 1 लाख से ज्यादा जनता रक्तदान करे, ऐसा किशोर बाव ने इन्होंने कहा। देवता लाइफ फाउंडेशन तर्फे हा जो महायज्ञ होता है तो एक ब्लड डोनेशन ड्राइव सोबत एक ब्लड डोनेशन अवेअरनेस कॅम्पेन सुद्धा आहे की जे यावेळेस ब्लड डोनेशन नाही जर नाही केलं तरी त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस वाढवणं की जेव्हा पण गरज पडेल तुम्ही लवकरात लवकर समोर या आपल्या सिटीमध्ये या, म्हणून हा 36 डिस्ट्रिक्ट्समध्ये कार्यक्रम होत आहे की त्या जागी जेव्हा गरज पडेल तुम्ही समोर या। यूथसाठी असंच होतं की आमचं प्रयत्न सोशल मीडिया थ्रू सुरू होता, कारण की यूथ सगळ्यात जास्त तिथे असतो, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडियामध्ये आमचं चालूच असतं। तर आमचा हा अपील सोशल मीडियातर्फे पण चालू आहे की यूथनी समोर यावे, जसं बाकी सगळ्याच प्रोग्राम्समध्ये ते खूप समोर असतात तसं ब्लड डोनेशनसाठी पण समोर यावं ही आमची इच्छा। आणि 14 आणि 15 ऑगस्टला जो आमचा प्रोग्राम झाला त्याच्यामध्ये बघण्यात आलं की खूप यूथ समोर आले होते, तर आम्हाला खूप छान वाटलं की यूथ आता समोर त्याच्यामध्ये येत आहे। तर जसं आता ऑक्टोबरमध्ये पण होत आहे त्याच्यामध्ये पण आमचा प्रयत्न सुरू आहे की ते महाराष्ट्राभरातले यूथ समोर येतील। मग थँक्यू। आधी हे याच्यावर हे झालं होतं, 15 जुलैला आम्ही राज्यपालांकडे गेलो याबाबत की महाराष्ट्रात अशी अशी गोष्ट चालू आहे आणि रक्ताची खूप कमी आहे, तर त्याबाबत तुम्ही आम्हाला काय मार्गदर्शन करू शकता? ते म्हणे तुम्ही प्रोग्राम तयार करा आणि आम्ही त्याला हिरवी झेंडी देऊ। तर राज्यपालांनी 15 जुलैला आम्हाला पत्र पाठवलं, त्या दिवसापासून आम्ही 3 महिने झाले कंटिन्यू या कामात आहे आणि 15 ऑक्टोबरला आम्ही जेव्हा महाराष्ट्रातून परत येऊ तेव्हा 3 महिने पूर्ण कंप्लीट झालेले असेल। यामध्ये 10,000 तरी आत्तापर्यंत तर रक्तदानाचा आमचा टार्गेट निश्चित झाला आहे आजच्या तारखेत, पण याच्यानंतर जे वाढणारा टार्गेट आहे तो कमीत कमी 1 लाखापर्यंत आम्ही जाऊ असं आमचं। इस पत्रकार परिषद में देवता लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर बावने, उपाध्यक्ष कस्तूरी बावने, सचिव सुधीर बाहेती और संस्था के विश्वस्त नीलिमा बावने और विभूति कश्यप उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।